मेरी जिंदगी में तुम बाज बनके। ये लग रहा है खतरों के खिलाड़ी का स्टंट चल रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवलिंग ड्रीम। सो गाइस इट्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक्चुअली अभी मैं हूँ उस टाइम में नोएडा में और आज है दीदी की मैरिज एनिवर्सरी। सो उसी के सेलिब्रेशन के लिए भी हम लोग मतलब ऐसे ही मेरे को मतलब जिम्मेवारी मिलेगी, मेरे को ढूंढना था कि कहाँ चले क्योंकि खाना इज़ नॉट द मेन थिंग कि आप जाओ और खाना खा लो। द मेन थिंग इज़ दैट कि आप कुछ जाओ और कुछ नया एक्सप्लोर करो और कुछ नई चीज़ें करो। तो फिर घूमने की बात रही तो वो मॉल वगैरह हो सकते थे, तो उन सबको हटा के फिर मैंने एक यहाँ पे राजस्थानी टच कुछ ढूंढा और मेरे को यहाँ पे नाम निकल गया है एक ऐसे ही राजस्थानी थीम पे बना हुआ एक चोखी हवेली करके कुछ रेस्टोरेंट टाइप का था, तो वहाँ पर अभी आया हुआ हूँ मैं। तो आपको पूरा आज सेलिब्रेशन दिखाऊंगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज इट्स वेरी वेल नोन कि राजस्थान अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है और उस चीज़ की झलक भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ी। जैसे हम लोग इसके एंट्रेंस पे पहुँचे एक लेडी वहाँ पे खड़ी हुई थी जो हम लोग का टीका कर रही थी, एंड दैट वाज अ वेरी हम्बल जेस्चर और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पहले टीका किया और उसके बाद उन्होंने हम लोग के ऊपर अक्षत जिसको हम चावल बोलते हैं वो भी छिड़के, एंड दैट वाज यू नो वेरी नाइस। गाइज अगर वहाँ असली बोलूँ सो राजस्थानी टच वॉज इन द एयर, बिकॉज जैसे ही मैं एंटर हुआ तो वहाँ पे उसके एंट्रेंस पे ही राजस्थानी फोक सॉन्ग्स गाते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई पड़े और वहाँ पे ढोल बज रहा था, एंड दैट वॉज मच 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 ऑसम यार। देखते ही देखते मिल गई हमें हमारी वेलकम ड्रिंक, एंड दैट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। जो भी चीजें यहाँ पर हैं एकदम मतलब पूरा टिपिकल राजस्थानी स्टाइल में, हर चीज एकदम यहाँ पे जो कुछ भी है एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है यार देख के। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप सामने देखोगे ये राजस्थानी फोक डांस जो हमारा प्रॉपर होता है उसके लिए स्टेज सेटअप है। इधर दीदी जैसे कि अभी मेहंदी लगवा रही हैं और उधर अभी हम लोग का केक कटिंग के लिए वो सेटअप हो रहा है, और मतलब बहुत सी चीज़ें मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं केक कटिंग के लिए, तभी अपन लोग करेंगे केक कटिंग। कहाँ चलना है बताओ, हाँ क्या बोल लो, कहाँ चले बताओ, कहाँ चले, हॉर्स हॉर्स वो देखो हॉर्स। गाइज ये बैंगल्स है जिनके ऊपर ये लेडी खुद को बैलेंस कर रही है और खुद के वेट को साथ में जो इनके ऊपर चार पांच पॉट इनके सर पर रखे थे उसको भी बैलेंस कर रही थी। सो दैट वाज यू नो बहुत ज़्यादा इसके लिए परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद वाला जो इन्होंने जो स्टंट किया हेल से, दैट वॉज नो नेल बाइटिंग, क्योंकि वो कीले थी उनके ऊपर खड़े होकर इन्होंने स्टंट को परफॉर्म किया। हैट्स ऑफ ऐसे परफॉर्मेंस को। गाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ द एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी थी पॉट मेकिंग की, एंड आई फाउंड इट टू बी मच इंटरेस्टिंग क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी पॉट्स को नहीं बनाया था। तो भैया की हेल्प से मैंने एक कमज़ोर सा पॉट बनाया जो शायद बाद में टूट भी गया था,
But anyways, I enjoyed the process. सभी एक्टिविटीज़ के बाद हम लोग आ गए हैं इसके डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया भी इसका एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में है। दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर आप बैठकर खा सकते हो, जो ट्रेडिशनल राजस्थान स्टाइल में एकदम वहाँ पे वो जो लोग हैं आके वो सर्व करेंगे आपको। ये इसकी गैलरी है, बहुत ही प्यारी सी बनाई गई है, और हर वॉल पे आपको एक राजस्थानी आपको जो है पेंटिंग दिखाई पड़ेगी, जैसे पूरा फुल टू मज़ा आएगा। बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं। दीदी फील आ रहा राजस्थान का एकदम आपको? हम कहाँ बैठेंगे, इधर बैठेंगे। ये देखिए थाली और प्लेट सब लगी हुई है सभी की, बाकी लोग उधर खा रहे हैं। बाकी अगर जो लोग कंफर्ट नहीं नीचे बैठने के लिए, तो वो लोग बगल में जा सकते हैं, वहाँ पूरी टेबल चेयर लगी हुई है, तो वैसे भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो उसके राजस्थानी फूड को। चलिए वेट कर रहा हूँ खाने का, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मुझे सर्व होता है। ये हम लोग की राजस्थानी थाली प्रॉपर हो चुकी है रेडी। ये है इसमें दाल, ये है कढ़ी, ये है राजमा, ये है गट्टे की सब्ज़ी, ये है पनीर, ये है चूरमा, ये है दो टाइप की रोटी, ये लहसुन की चटनी, ये अचार है, और अभी हमारी ये बाटी है ना भैया, ये हमारी दाल बाटी, ये आ चुकी है हमारी बाटी, जिन्होंने उसको डाल दिया दाल में। तो दाल बाटी चूरमा का स्पेशल पूरा एक कॉम्बो होता है। सो चलिए खाने को एंजॉय करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे मैं खाने के बाद। जब पेट में दौड़ रहे हैं मेरे चूहे, तो स्टे ट्यून्ड। राम राम सर। मैं दीदी की जगह मम्मी आई है, अंदर करो मैं। ये लग रहा है खतरों के खिलाड़ी का स्टंट चल रहा है। गाइस ये हमारी लास्ट डिश है आज के प्रोग्राम की, ये है पान, और पान खा लिया खत्म, और बहुत मजा आया। दीदी सुबह कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खाना तो भैया था, अच्छा लगा। आप बताइए, खाना भैया था? हाँ खाना तो बहुत अच्छा ही लगा मुझे भी, बाकी सब रेटिंग जीरो। और सब एक्टिविटीज तुम्हारी बनी थी तो तुम्हें जीरो, गजब बेइज्जती है। मैंने डर था तो मतलब मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, इतना अच्छा प्लेस था कुल मिला के, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज हुई, इतना मजा आया, मसाज वगैरह सब खुद भी करा के आए, प्रूफ है मेरे पास आपका, तो ऑल इन ऑल बहुत ही मजा आया। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।